एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो सीसी एंड बीबी क्रीम के डिफरेंस के बारे में होने वाला है। सो विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्ट। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीबी क्रीम एंड सीसी क्रीम, कौन से टाइप की स्किन टाइप के लिए कौन सा क्रीम अच्छा है। और अगर आप लोगों के मन में भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीबी क्रीम के बारे में। बीबी क्रीम जो है ये मेरे पास पॉन्ड्स का बीबी क्रीम है। वैसे तो बीबी क्रीम दूसरे ब्रांड के भी आते हैं, बट मैं आप लोगों को पॉन्ड्स बीबी क्रीम के बारे में बता रही हूँ। ये एक वाइट ब्यूटी क्रीम है। ये आपको वाइटनेस, इंस्टेंट वाइटनेस देता है और ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये इसमें क्लेम तो ऐसा कर रहा है कि फुली कवरेज देता है, बट फुली कवरेज इससे मिलता नहीं है। इससे लाइक आपको सेमी कवरेज ही मिलता है। और इसमें SPF 30 PA++ है जो बहुत ही अच्छा है। अगर आप बीबी क्रीम यूज कर रहे हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। और ये फाउंडेशन प्लस क्रीम है, तो ये दोनों का काम साथ में करता है। अगर आप टीन एज हो और आप कुछ ऐसा क्रीम खोज रहे जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं हो, बट आप लाइक आउटिंग के लिए यूज कर सकते हो, तो बीबी क्रीम बहुत ही अच्छा है। बीबी क्रीम में कोई भी टाइप्स नहीं होता है, एक सिंगल टाइप का ही होता है। इसका पैकेजिंग कुछ इस टाइप का ट्यूब पैकेजिंग आता है। पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसका। बीबी क्रीम का एक जो डिमेरिट मुझे देखने को मिला, अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको एक वाइटनेस टाइप का चेहरा पे नजर आएगा, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मैं आप लोगों की इसे मैं अपने बैक ऑफ हैंड में लगा के दिखा देती हूँ। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सीसी क्रीम के बारे में। मेरे पास जो है लैक्मे 925 सीसी क्रीम है। वैसे तो सीसी क्रीम दूसरे ब्रांड में भी आते हैं और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें भी SPF 30 PA+ है। इनका जो ये सीसी क्रीम है वो डिफरेंट शेड में आते हैं। मेरे पास जो है बेज है, बिकॉज फॉर फेयर स्किन के लिए बेज ही होता है। और ये एक इंस्टेंट ग्लो दे देता है, लाइक ये फुली कवरेज देता है। तो सीसी क्रीम जो होता है कलर करेक्शन का काम करता है, जो बीबी क्रीम नहीं करता है। लाइक आपका स्किन डिसकलर हो गया है लाइक सन टैन के कारण और अदर किसी भी रीजन के कारण, तो वो एक कलर आपके स्किन में लाता है। तो अगर आप कोई इस टाइप का रीजनेबल फाउंडेशन प्लस क्रीम खोज रहे तो उसमें ये सीसी क्रीम बेस्ट है। और अगर आप टीनेज हो तो आप लोगों को ये सीसी क्रीम और बीबी क्रीम जैसे ही चीज़ों को यूज करना चाहिए, बिकॉज लाइक अब लाइक जो फाउंडेशन आता है मार्केट में उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो टीन एज के लिए वो सही नहीं होता है। और इसमें उतना भी ज़्यादा केमिकल नहीं है सीसी क्रीम में। आप इसे डेली यूज के लिए यूज कर सकते हो। लाइक आप कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो तो आप सीसी क्रीम को यूज कर सकते हो डेली पर्पज के लिए। प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है इसका। 30 ग्राम क्वांटिटी के लिए यू हैव टू पे ओनली 299 रुपीज, जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। जैसा कि मैंने बताया कि बीबी क्रीम जो है फुली कवरेज नहीं देता, बट सीसी क्रीम फुली कवरेज देता है। लाइक बहुत लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है, पिंपल्स आ जाते हैं, और टीन एज में ये नॉर्मल बात है कि आपको पिंपल्स हो गए, तो उस समय आपको सीसी क्रीम यूज करना चाहिए। आपके पिंपल्स को भी कवर करता है बट आपकी स्किन को हार्म नहीं करता। लाइक आपका स्किन उस समय ब्रीद कर पाता है। तो लाइक अगर आप दूसरे टाइप के दूसरे जो फाउंडेशन होते हैं लाइक फिटमी का फाउंडेशन यूज करें या कुछ भी, तो वो स्किन को पूरा कवर कर देता है। जैसे आपको बताया कि सीसी क्रीम और बीबी क्रीम जो दोनों जो है ऑल इन वन है। लाइक दोनों ही क्रीम अगर आप अप्लाई करते हो, चाहे आप बीबी क्रीम को यूज करो या सीसी क्रीम का यूज करो, आपको एक्स्ट्रा कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी सनस्क्रीन, किसी टाइप का प्राइमर यूज करने का जरूरत नहीं है। तो जिनको मिनिमम मेकअप में अच्छा लुक चाहिए, पार्टी वेयर लुक चाहिए, या फिर आप बाहर जा रहे हो तो कुछ अच्छा लुक चाहिए, उसके लिए तो आप इसे यूज कर सकते हो। मेरे बहुत सारे मेल सब्सक्राइबर ने भी मुझसे ये पूछा है कि कौन सा क्रीम है जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं उस समय यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ज़्यादा क्रीम वगैरह अप्लाई करना पसंद नहीं करते या प्राइमर या फाउंडेशन वगैरह यूज करना पसंद नहीं करते। तो कैमरा में जब भी हम लोग वीडियो बनाते तो थोड़ा वो रिप्रेजेंटेबल हो, लाइक स्क्रीन में किसी भी टाइप का पिम्पल्स एक्ने प्रॉब्लम है, तो उस समय आप सीसी क्रीम लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लुक देता है और प्रेजेंटेबल लुक देता है, तो आप वीडियो बनाने के लिए सीसी क्रीम का यूज कर सकते हैं। तो एट द एंड मैं यही कहूंगी कि दोनों
सीसी क्रीम और बीबी क्रीम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही ऑलमोस्ट अच्छा वर्क करता है, बट लाइक मेन डिफरेंस यही है कि बीबी क्रीम यूज करने से थोड़ा सा स्किन वाइट दिखने लगता है और बहुत लोगों को नेचुरल लुक चाहिए होता है, वो लोग ये नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा वाइट टाइप का लुक लगे, तो वो चीज मुझे सीसी क्रीम में अच्छा लगा कि ये आपके स्किन टोन से मैच कर जाता है और इसमें बहुत सारे शेड्स भी अवेलेबल है, स्किन टोन है जो भी आपका स्किन कलर है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। बीबी क्रीम में ये चीज अवेलेबल नहीं है, एक ही शेड में आता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि कौन से यूज करें, और अगर आप टीनेजर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बीबी क्रीम ही यूज करें, तो जो टीनेजर है उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि रेगुलर बेसिस पे इसको यूज ना करें, लाइक जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है वो रेगुलर बेसिस पे ना ही तो सीसी क्रीम ना ही तो बीबी क्रीम यूज करें, क्योंकि इसमें एट द एंड फाउंडेशन है तो उसके जगह पे आपको नॉर्मल जो मॉइस्चराइजर है वही अप्लाई करें। अगर आप 18 अबव है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, लाइक दोनों ही जो क्रीम है लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल या आप ऑफिस जा रहे हो तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, लाइक मिनिमम मेकअप में आपको नो मेकअप मेकअप लुक देता है। या ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकते। Okay.